क्या नेपोलियन बोनापार्ते मुसलमान हो गया था? अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं देन कीप ऑन वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यू ऑल एंड पीस अपॉन ह्यूमैनिटी। माय नेम इज़ डॉक्टर मुजीम शेर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। मेरी जानिब से प्यार और मोहब्बत भरा सलाम मेरी तमाम फैमिली के लिए। आप जो भी हैं, आप जहां भी हैं, आप सब मेरी फैमिली हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताता चलूँ, इस चैनल पर हम इस्लाम का एक मुस्बित पहलू उजागर करते हैं और जदीद साइंसी तहकीकात को कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। तो चलिए, अब बातें बहुत हो चुकी हैं, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जैसा कि आज की वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा, आज इस टॉपिक पे डिस्कशन करना है कि क्या नेपोलियन बोनापार्ते मुसलमान हो गया था। नेपोलियन बोनापार्ते एक फ्रांसीसी सियासतदान और फौजी सिपाहसालार था और बाद में इसकी फतुहात की वजह से उसे फ्रांसीसी शहंशाह का भी खिताब मिल गया था। राइटर हम्बर्टो क्रेसिया की एक किताब है जिसका नाम है इस्लाम एंड द इंग्लिश एनलाइटमेंट। इस किताब के सफा नंबर 127 से 138 पर वो लिखते हैं कि नेपोलियन को इस्लामी तारीख और सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का बहुत शौक था। हम्बर्टो लिखते हैं कि जब नेपोलियन ने मिस्र को फतह किया तो उसने 9 जुलाई 1798 को मिस्र पहुंचने से पहले एक तहरीरी मंशूर मिस्र भिजवाया जिसका नाम था डिक्लेरेशन फ्रॉम जनरल बोनापार्ते टू द इजिप्शियन पीपल। हम्बर्टो ने अपनी किताब में लिखा कि इस मंशूर में बोनापार्ते ने मिस्री कौम से कुछ यूं खिताब किया, मेरे मिस्री भाइयों, कुछ लोग ये कहेंगे कि मैं आपका मजहब बर्बाद करने के लिए आया हूँ। ऐसे अशखास को बता दें कि मैं आप लोगों को आपके हुकूक दिलवाने के लिए आया हूँ और मैं ममलूक सल्तनत से ज्यादा अल्लाह, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की इज्जत और एहतराम करता हूँ। क्या हम वो नहीं थे जिन्होंने पोप को तबाह कर दिया, उस पोप को जिसकी नजर में मुसलमानों के खिलाफ जंग अल्लाह का हुक्म थी। हम बर्टो ग्रेसिया लिखते हैं कि इस तहरीरी मंशूर के जरिए नेपोलियन बोनापार्ते ने पूरी दुनिया पर यह बात आश्कार कर दी कि वो मुसलमान हो गया है और ना सिर्फ ये बल्कि उसने अपना नाम बदल कर भी नेपोलियन अली बोनापार्ते रख लिया। क्रिश्चियन शर्फिल्स की लिखी गई किताब बोनापार्ते ए एल इस्लाम में शर्फिल्स ने नेपोलियन बोनापार्ते के एक ऑफिशियल दस्तावेज को शाया किया है जिसमें नेपोलियन ने ये खिताब किया है कि मुझे उम्मीद है कि वो वक्त दूर नहीं जब मैं पूरी दुनिया के दानिश्वरों और उल्मा को साथ मिलाकर एक वाहिद कानून नाफिज करूंगा जो कि कुरान के अहकामात के मुताबिक होगा, उस कुरान के मुताबिक जो कि हक है और जो कि दुनिया के तमाम लोगों को खुशहाली की जानिब ले जाने वाला है। यानी ये कि नेपोलियन जैसे जंगजू सिपाहसालार और फ्रांसीसी शहंशाह जिसने फ्रांस को गुर्बत की गुलामी से आज़ाद कराया, उसकी ये दिली ख्वाहिश थी कि वो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक एक कानून बनाए जिसे वो पूरी दुनिया पर नाफिज कर दे। नेपोलियन जैसे शहंशाह के दिल को जब हम हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दहलीज पर झुकते हुए देखते हैं तो ये हदीस याद आ जाती है। मुस्नद अहमद इब्न हंबल की हदीस नंबर 16509 में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर घर में इस्लाम को दाखिल फरमा देगा। इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से आगाह कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और जाते जाते एक छोटी सी बात आपको याद दिलाता चलूँ, जिंदगी में कितनी मुश्किल क्यों ना हो, कितने ही मसाइल क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात हर वक्त आपके साथ है। उस पर तवक्कल करते रहिए और मुस्कुराते रहिए, सुन्नत भी है और सदका जारी है भी। एंड गेस व्हाट, यू लुक गुड टू। दिस इज मी डॉक्टर मुजीम शेर साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम यू ऑल एंड पीस अपॉन ह्यूमैनिटी।